हेलो टू ऑल सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर मुकेश कुमार और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जिस विषय पर मैं चर्चा के लिए आया हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि एक साइट इंजीनियर कैसे एक बिलिंग इंजीनियर में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि बीटेक करने के बाद जब आप साइट पर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ कुछ सुपरवाइज़र भी होते हैं, वो सुपरवाइज़र भी वही काम कर रहे होते हैं जो स्टार्टिंग में आपको करना पड़ता है स्टार्टिंग में। बट क्योंकि आपने बीटेक किया हुआ है, आपकी जो डिग्री है एक सुपरवाइज़र से बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, उसकी वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस डिग्री की वैल्यू को आपको मेंटेन करना है और बहुत जल्दी कोशिश करनी है कि साइट इंजीनियर से आप कैसे अपने आप को बिलिंग इंजीनियर में कन्वर्ट करते हैं। तो आज मैं आपके सामने अपना ही कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। 2007 की बात है जब मैंने JMC प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड को एज ए साइट इंजीनियर ज्वाइन किया, लेकिन विद इन ए मंथ मैं साइट इंजीनियर का वर्क छोड़कर बिलिंग इंजीनियर और प्लानिंग इंजीनियर का वर्क देखने लगा। तो ऐसे कौन से टिप्स हैं जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डिग्री है उसकी वैल्यू है कुछ, है ना। तो अपने आप को एक बिलिंग इंजीनियर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि बिलिंग इंजीनियर एक ब्रिज का काम करता है एक क्लाइंट और जिस कंपनी में वो जॉब करता है उसके मैनेजमेंट के बीच में। तो बिलिंग इंजीनियर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो आज मैं आपके सामने आपको 10 ऐसे टिप्स दूंगा कि वो टिप्स आप फॉलो करिए और अपने आप को साइट इंजीनियर से हटाकर आप बिलिंग या प्लानिंग इंजीनियर में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, उसमें पैसा भी है और रेपुटेशन भी है। तो जो आपको पहला वर्क करना है फॉर बिलिंग इंजीनियर सीखने के लिए वो है अपना मेज़रमेंट। क्योंकि साइट जब स्टार्ट होती है तो हर चीज़ का मेज़रमेंट होता है, तो साइट स्टार्ट से लेकर साइट हैंडओवर तक आपको हर चीज़ का मेज़रमेंट पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं और उसका मेज़रमेंट किस चीज़ में दिया जाता है। तो मेज़रमेंट की जानकारी इकट्ठा करने की आप कोशिश कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बीटेक वालों का वैसे भी ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि उसको बीटेक में भी पूरी डिग्री इंग्लिश में उसने करी है, तो ये पॉइंट जो है बहुत जल्दी कैचअप कर लेता है। और ये जो पॉइंट्स हैं एक डिप्लोमा वाले या सुपरवाइज़र लोग नहीं कर पाते हैं, ये एक बेनिफिट है बीटेक का भी। तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है वो है बेसिक अकाउंट डिटेल। मतलब एक किसी प्रोजेक्ट्स में क्या है कि कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं, तो उन सब कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानकारी, किसका कितना बिलिंग हो चुका है, कितना अमाउंट बाकी है, तो अकाउंट की नॉर्मल जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो चौथा पॉइंट है एक बिलिंग इंजीनियर को नो कम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। साइट पे जो पैटी कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे होते हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनका काम रहता है कि वो अपना बिल जो है जल्दी पास कराते हैं, तो आपको पूरा क्वालिटी चेक्स के साथ ही उनका बिल पास करना है। तो क्वालिटी चेक्स के साथ आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, पूरी क्वालिटी एज पर ISO के हिसाब से आपको चेक करके उसका बिल पास करना है, तो आपको क्वालिटी चेक्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चौथा पॉइंट है वो है हमारा RA बिल। RA बिल बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ रनिंग अकाउंट बिल। मतलब यदि प्रोजेक्ट्स है, यदि 24 महीने का प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें हो सकता है कि आपके 6 या 7 RA बिल बने, तो हर RA बिल के साथ आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर RA बिल में ये क्वांटिटी, सपोज़ करो कोई क्वांटिटी है उसकी, उसका जो नंबर है 100 है पूरे BOQ में, है ना, और अभी तक उसने 20 करे हैं, तो कितनी क्वांटिटी बची, 80 क्वांटिटी। तो BOQ के हिसाब से कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई है और कितनी बची है, ये जो है रनिंग बिल में रिफ्लेक्ट होती है। तो रनिंग बिल की जानकारी भी आपको लेनी है, और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी पैटी कॉन्ट्रैक्टर्स को ओवर पेमेंट ना हो जाए, और उसका जो है आपको ध्यान भी रखना है कि हर रनिंग बिल के साथ आपको 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट
जो है काट के रखने हैं, मतलब पेटी कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा पैसा रिलीज नहीं करना है। जो छठा पॉइंट है वो है रेट एनालिसिस का। रेट एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है कि प्रोजेक्ट क्या है कि सपोज करो 2020 में शुरू हुआ है और 2023 में कंप्लीट होगा, तो आइटम के रेट्स तो 3 साल में चेंज होते हैं, तो हर आइटम का आपको रेट एनालिसिस आना चाहिए कि मार्केट के हिसाब से इसका रेट क्या है आइटम का। जो छठा पॉइंट है वो है प्रोसेस ऑफ वर्किंग, मतलब आपको साइट पर जितनी भी एक्टिविटी चल रही है उनका प्रोसेस पता होना बहुत ज़रूरी है ना। पहले फाउंडेशन आएगा, फिर प्लिंथ बीम आएगी, फिर वॉल खड़ी होगी, फिर स्लैब खड़ी होगी, तो एक प्लानिंग के रूप में भी आपको वर्क विजुलाइज करना है और सिक्वेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप साइट्स पर वर्क करें, ये नहीं कि सिर्फ अपने साइट्स पर ही आप वर्क करें, आपके आसपास जो भी साइट्स चल रही हैं टाइम निकाल के उन साइट्स को भी आप विजिट करिए और मैक्सिमम जानकारी जुटाइए। जो आठवां जो मेरा पॉइंट्स है वो है CPWD नॉर्म्स, कि जितना भी गांव सिविल में वर्क होता है सब CPWD नॉर्म्स के हिसाब से रहता है, तो इस मैनुअल की जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। इसका आप जो मैनुअल है उसको स्टडी करते रहिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो इसमें जो है CPWD के हिसाब से आपको वो जानकारी होनी चाहिए। जो 9th पार्ट है मेरा वो है रिकंसिलेशन का। रिकंसिलेशन क्या है कि हर आइटम का रहता है, आपको जो है वेस्टेज को कम करना है। आपका माइंड इस तरह चलना चाहिए कि मुझे यदि स्टील में 10% वेस्टेज हो रहा है तो उस 10% के वेस्टेज को मुझे 3% पर लाना है। सीमेंट में यदि मेरा 5% वेस्टेज हो रहा है तो उस 5% को मुझे 2% पर लाना है। तो रिकंसिलेशन, क्योंकि क्या है कि जब भी साइट हैंडओवर होती है बाद में हर आइटम का रिकंसिलेशन होता है, और रिकंसिलेशन यदि ध्यान से नहीं हुआ है, ठीक से नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं पेनल्टी क्लोज इम्प्लीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। तो रिकंसिलेशन का भी आपको ध्यान रखना है फ्रॉम द डे वन। और जो लास्ट पॉइंट है वो है एस्केलेशन। एस्केलेशन की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट जो आज हैं वो 3 साल बाद बढ़ेंगे, तो आपको जो है ना बेसिक आइटम और या POL पर रिकंसिलेशन या एस्केलेशन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ 10 पॉइंट थे जो आपको जब भी आप साइट पे वर्क करें तो 10 पॉइंट की तरह अपने आपको फोकस करें, अब तो आप देखिएगा आप बहुत जल्दी एक अच्छे बिलिंग इंजीनियर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का टिप्स आपके लिए, आगे भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।